डॉक्टर अनिल कुंदेला, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एजुकेशन, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी. टुडे वी आर हेयर टू डिस्कस द टॉपिक फेडरल सिस्टम इन इंडिया. देखिए, सबसे पहले जो चीज ये है कि जो फेडरल सिस्टम है, यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि व्हाट इज फेडरलिज्म. एक्चुअली फेडरलिज्म इज ए सिस्टम वेयर द ड्यूअल मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट फंक्शंस. ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जो फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम के अंदर यहाँ पर जो सेंटर गवर्नमेंट और बेसिकली जो स्टेट गवर्नमेंट है, देयर आर टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. वन इज सेंट्रल अथॉरिटी विच लुक्स आफ्टर द मेजर अफेयर्स ऑफ द कंट्री, एंड द अदर इज मोर ऑफ ए लोकल गवर्नमेंट विच लुक आफ्टर द डे टू डे फंक्शनिंग एंड एक्टिविटीज ऑफ देयर पर्टिकुलर रीजन. तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था हम कह सकते हैं कि दो तरह के जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों ही तरह के जो स्टेजेस हैं यहाँ पर फेडरल सिस्टम के लिए कंपल्सरी है. तो यहाँ पर हम कुछ प्रोविजंस की बात करते हैं. जैसे कि अगर हम देखें इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल फर्स्ट है, आर्टिकल फर्स्ट इसके अंदर जो बेसिकली इस चीज को डिफाइन किया गया है कि जो इंडिया है, इंडिया दैट इज भारत, शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट. कि जो आर्टिकल फर्स्ट है उसमें कहा गया है कि जो इंडिया है, जो भारत है, वो राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा. तो आप ये देखिए, कहीं पर भी जो फेडरल स्टेट है या फेडरेशन वर्ड का यूज नहीं किया गया है, फेडरल जो स्टेट है इसका यूज नहीं किया गया है, यूनियन ऑफ जो स्टेट्स है इसका यूज किया गया है. और यहाँ पर जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके जो प्रेसिडेंट जो कि चेयरपर्सन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने भी ये कहा था कि यहाँ पर यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड का यूज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो सेंटर और जो स्टेट है, उन दोनों के बीच में जो फेडरल सिस्टम है, वो एक एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है. यहाँ पर जो केंद्र और राज्य है, उन्होंने आपस में कोई समझौता नहीं किया है, और समझौता नहीं किया है इसलिए जो राज्य है वो और केंद्र से अलग नहीं हो सकते हैं. तो बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही क्लियर है ये यहाँ पर कि जो आर्टिकल जो फर्स्ट है, जो कि विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट डिस्क्राइब्स दैट इंडिया will be union of states. And the Indian federal system is based on the Canadian model. हमने यहाँ पर हमारे सामने एक अमेरिका है, यूएसए का भी हमारे सामने एग्जाम्पल था, लेकिन हमने जो अमेरिका है, अमेरिका का यहाँ पर हमने उसका मॉडल है उसको अडॉप्ट नहीं किया. We adopt the model of Canadian model because वहां पर जो state है, वो स्टेट है, वो पावरफुल है. तो यहाँ पर आप ये देखिए कि जब हम फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारे सामने कुछ फीचर्स हैं फेडरल सिस्टम के. फर्स्ट वन फीचर इज द एसेंशियल फीचर. देयर आर टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ड्यूअल सिस्टम ऑफ मशीनरी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन गवर्नमेंट सिस्टम. देयर आर टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंशियस स्टेट्स. एंड सो आई वॉन्ट टू से दैट इन फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ऑन एंड नॉट आंसरेबल टू द सेंटर, एंड दे रिसीव देयर पावर्स फ्रॉम constitutions, because there are separation of powers between center and state by the constitution. There are many examples of federal system like USA, okay, Canada, India. So there are many examples of federal system. And if we want to take unitary system, there are one level of government, which is very important features of unitary government. There is no any separation of powers, and constitution gives all the powers
to the center. So there are only one level of government and subunits subordinated, and center can pass orders to the local government. An example is United Kingdom, France, Japan. There are examples of unitary government. So there are two crucial aspects of an ideal federalism. First one is governments at different level should agree to some rules of power sharing. And second one is trust and agreement to live together must be there. So there are many crucial aspects of an ideal federalism. So now we are discuss the features of federal system in Indian constitution. First one is a written constitution. Written constitution, the Indian constitution is not only a written document but also the lengthiest constitution in the world, and originally it contains a preamble, 395 articles and 8 schedules. Now there are 12 schedules and 25 parts. So there are a feature of written constitution in our Indian constitution. And second one is division of powers. अगर हम देखें कि हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा शक्तियों को विभाजित किया गया है केंद्र और राज्य सरकार के बीच में। यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट विभाजन किया गया है। हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेवंथ शेड्यूल है, सातवीं अनुसूची है, इसके अंदर जो जो एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेटिव, सेंटर और जो स्टेट है उसके बीच में लेजिस्लेटिव रिलेशंस का यहाँ पर जिक्र किया गया है कि केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंध है वो किस तरीके से होंगे। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव है और जो लेजिस्लेटिव है उनके बीच में आपस में रिलेशन किस तरह से होंगे। तो आप ये देखिए कि हमारे यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो सेवंथ शेड्यूल है, सातवीं अनुसूची है, उसके अंदर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, वहां पर लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट है वो मेंशन किए गए हैं। और यहाँ पर साफ कहा गया है कि जो यूनियन लिस्ट है जिसके अंदर ओरिजिनली इट हैड 97 सब्जेक्ट्स एंड नाउ इट हैज 100 सब्जेक्ट्स, एंड यूनियन लिस्ट के अंदर जो पार्लियामेंट है वो एक लॉ मेकिंग बॉडी होती है। और जब हम स्टेट लिस्ट की बात करते हैं, स्टेट लिस्ट के लिए जो कि स्टेट्स के लिए बहुत ही एसेंशियल सब्जेक्ट हैं, जस्ट लाइक एग्रीकल्चर, हॉस्पिटल, लॉ एंड ऑर्डर, ऑल्स आर स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स, एंड इसके अंदर जो स्टेट लेजिस्लेटिव है वो यहाँ पर कानून बनाती है। और जब हम बात करते हैं समवर्ती सूची के बारे में, जब हम कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं, तो आप ये देखिए कि यहाँ पर नॉट ओनली सेंटर बट ऑल्सो स्टेट बोथ, तो यहाँ पर जो केंद्र और जो राज्य है दोनों ही, संसद और राज्य का जो विधानमंडल है वो दोनों ही समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर किसी विषय पर राज्य के द्वारा बनाया गया कानून और केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून, उसके अंदर अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन है, तो इन दैट सिचुएशन सेंटर का जो सेंटर के द्वारा बनाया गया जो कानून है वही मान्य होता है। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है वो सेंटर और स्टेट के बीच में यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने किया हुआ है। सो यू कैन से दैट इट इज बेसिक फंडामेंटल फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, that constitution makes the federal constitution. Second one is supremacy of the constitution. हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है। It is not mentioned in any article, any provisions in the constitution, just like USA, but
अगर हम यहाँ देखते हैं कि अगर केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, अगर वो संविधान के प्रावधानों के विपरीत जाकर कोई कार्य करती है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय और जो उच्च न्यायालय है, वो ऐसे कार्यों को इलीगल डिक्लेयर कर सकते हैं। दैट इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू सिस्टम। ओके, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि हमारे संविधान ने उच्च न्यायालय को और जो उच्चतम न्यायालय, दोनों को ही जुडिशियल रिव्यू पावर है वो प्रोवाइड किया है। और सेपरेशन ऑफ पावर्स की जब हम बात करते हैं, तो इट इज पॉसिबल ओनली दैट सिचुएशन इफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन दैट मीन द डिविजन्स ऑफ पावर्स एस्टेब्लिश बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी मेंशन ओनली इफ द मेथड ऑफ इट्स अमेंडमेंट इज रिजिड। एंड यू कैन से दैट देयर आर मेनी प्रोविजन्स इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर अमेंडमेंट प्रोसेस इज वेरी टफ बिकॉज स्टेट लेजिस्लेटिव सपोर्ट इज नेसेसरी इफ यू वॉन्ट टू अमेंडमेंट दीज प्रोविजन्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी headed by the Supreme Court for two purpose. First one, to protect the supremacy of the Constitution by exercising the power of judicial review. And second point is to settle the dispute between the center and the states or between the states. Federal system के लिए बहुत ही जरूरी है कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ही संविधान की रक्षा कर सकता है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज पॉसिबल इफ देयर इज ए इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी इन दैट सिचुएशन। हम ये देखते हैं कि हमारे यहां पर जब कभी भी केंद्र और राज्य के बीच में अगर कोई विवाद होते हैं या राज्यों के बीच में कोई विवाद की स्थिति होती है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय है वो यहाँ पर उनके बीच में समाधान करता है। फेडरल सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि हम लोग अमेरिका के अंदर देखते हैं, अमेरिका के अंदर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और वहां पर जो जुडिशरी है वो बहुत ही इंडिपेंडेंट है। और हमारे यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारे प्रोविजंस किए गए हैं और जस्ट लाइक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। ओके, एंड हमारे यहाँ पर जो न्यायाधीश है, न्यायाधीशों का जो निर्वाचन है, जो उनकी जो नियुक्ति है, उसके अंदर भी बहुत ही जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो भी संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभी जो बात करी है फीचर्स के बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि फेडरल, आप देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर जो फेडरल सिस्टम है उसके बहुत सारे यहाँ पर जो फीचर्स हैं हम लोगों को दिखाई देते हैं। अभी हम लोगों ने जस्ट बात किया यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है, जिसके अंदर जो सेंटर स्टेट इनके रिलेशन के बारे में बताया गया है। देन यू कैन से व्हाट हैज मेड इंडिया ए फेडरल कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। Earlier I said that constitution has declared India as a union of state. And second point is three-tier federalism, union, state and panchayats. And third one is threefold distribution of legislative powers under union list, state list and concurrent list. And all states in the Indian Union do not have identical powers. ओके, देयर आर स्पेशल फीचर्स रिलेटेड टू फेडरल सिस्टम इन इंडिया। यू कैन सी दैट देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। फर्स्ट वन इज 1950 टू 1967, इट कॉल्ड यूनिटेरियन फेडरलिज्म, क्योंकि यहां पर हम देखते हैं कि इस समय जो केंद्र है, केंद्र बहुत ही शक्तिशाली था और वह राज्यों के ऊपर हावी था। तो आप
कह भी सकते हो कि यहाँ पर जो संघवाद है, संघवाद में चूंकि राज्यों की स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है और इस बात को कहा जाता है कि जो स्टेट है और जो सेंटर है दोनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल है इसको काफी हद तक इसका पालन नहीं किया गया, तो हम यहाँ पर इसको नाम दे रहे हैं यूनिटेरियन फेडरलिज्म। सेकंड जो आता है इसके अंदर हम देखते हैं 1967 से लेकर 61 तक जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है कि सेंटर और जो स्टेट है, सेंटर को मेजोरिटी नहीं मिली तो सेंटर इतना शक्तिशाली पावरफुल नहीं था, ऐसी इन दैट सिचुएशन जो स्टेट है उन्होंने अपनी बात मनवाई, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि सेंटर के साथ में कोऑपरेशन किया, तो यहाँ पर हम लोग एक स्टेट है वो ये भी देखते हैं। इसके बाद में बात आती है 1971 से 77 तक, वापस से यूनिटेरियन फेडरलिज्म हमें को देखने को मिलता है जहां पर जो सेंटर है वो पावरफुल हो जाती है। और फिर इसी तरीके से आगे 1996 से लेकर 2014 तक हम लोग बार्गेनिंग फेडरलिज्म को भी देखते हैं। एक हम देखते हैं समझौतावादी जो संघवाद है वो हमें दिखाई देता है कि जो राज्य है वो केंद्र के साथ में समझौता करते हैं अपनी बात को मनाने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जो फेजेस हैं फेडरलिज्म के हमारे इंडिया के अंदर है वो हमें दिखाई देते हैं। आप ये देखिए पूरे वर्ल्ड के अंदर देयर आर 25 फेडरल कंट्रीज एंड 25 फेडरल कंट्रीज इन द वर्ल्ड टूडे एंड विच टूगेदर रिप्रेजेंट 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। इट इज मेजर फैक्टर ऑफ फेडरल सिस्टम। सो यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। एंड यूनिटरी गवर्नमेंट देयर आर टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इन यूनिटरी गवर्नमेंट देयर आर ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड यू कैन कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट because there is no separation of powers by the constitution. Second one, political power shared in federal government, but unitary government, political power held by central government only. Third one, the constitution is rigid and codified in federal government, but in unitary government, the constitution is flexible and uncodified. And last one, two different types of law, central law and state law in federal system, but they are only one set of law and uniform for whole country in unitary government. So students, you can say that unitary system only national government and states achieves their power from national government. And in federation, in federal system, state government and national government receives and achieves their powers from the constitution. Okay, so you can comparison of federal system of India and America. फर्स्ट वन, यहाँ पर हम लोग सिमिलरिटी को देखते हैं अमेरिका और जो भारत है उनके। अगर हम संघीय व्यवस्था की बात करते हैं तो दोनों के बीच में आप सिमिलरिटी की बात करते हैं तो फर्स्ट जो पॉइंट आता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका के अंदर, भारत के अंदर, दोनों के अंदर ही हमें लिखित संविधान दिखाई देता है, क्योंकि शक्तियों का जो विभाजन है, सेपरेशन ऑफ पावर है, वो तभी पॉसिबल है जब कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होना चाहिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, सेकंड पॉइंट, बिल ऑफ राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स। बोथ कॉन्स्टिट्यूशंस, अगर हम दोनों ही संविधानों की बात करते हैं तो इसके अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मूल अधिकार है, बिल ऑफ राइट्स है, यहां पर हमें दिखाई देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस इससे रिलेटेड हमें दिखाई देते हैं। थर्ड वन, सुप्रीमेसी ऑफ द फेडरल और यूनियन गवर्नमेंट। ओके, इन यूएसए एंड इन इंडिया, अगर हम भारत के अंदर और अमेरिका के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पर सुप्रीमेसी ऑफ द जो कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द यूनियन, ये यहाँ पर हमें दिखाई देता है। और जो कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है सेपरेशन ऑफ पावर। केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, दोनों ही अपनी शक्तियां हैं वो संविधान से प्राप्त कर रही हैं, पावर्स ऑफ चेक एंड बैलेंस है, ये भी हमें दिखाई देता है कि हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं, जस्ट लाइक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, दे ऑल आर कंट्रोल ईच अदर।
एक दूसरे को वो कंट्रोल करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स है, एग्जीक्यूटिव के पास में एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव के पास में लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, जुडिशरी है वो जुडिशियल पावर्स को यूज करती है. सो देयर आर सेपरेशन ऑफ पावर्स. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स तो है ही है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट देन सेपरेशन ऑफ पावर्स इज ऑल्सो हेयर एंड बट दिस इज अडॉप्टेड ओनली द सिचुएशन ऑफ पावर ऑफ चेक एंड बैलेंसेस. इसके साथ में हमने सेपरेशन ऑफ पावर्स है इसको हमने अपनाया है. तो ये मैंने आपको अभी सिमिलरिटीज बताया है इंडिया और जो अमेरिका है उनके जो संघीय व्यवस्था है उनका जो फेडरल सिस्टम है उसके अंदर हम लोग सिमिलरिटीज को देखते हैं. अब यहां पर हम लोग जब डिफरेंसेस की बात करते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन द फेडरलिज्म ऑफ यूएस एंड इंडिया, एंड फर्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस इज वेरी रिजिड देन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, अमेरिका का जो संविधान है, अमेरिका का संविधान बहुत ही कठोर है. आप देखेंगे वर्ल्ड के अंदर इट इज वेरी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, तो अमेरिका जो है अगर हम भारत से कंपेयर करते हैं, इंडिया से कंपेयर करते हैं, तो हमारे यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी हमें दिखाई देती है. सेकेंड पॉइंट इज विच वाइल द यूएस हैज द प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट इंडिया हैज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. कि अमेरिका के अंदर अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, वहां पर जो प्रेसिडेंट है वो बहुत ही पावरफुल है, लेकिन हम ये देखते हैं कि भारत के अंदर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है और पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो कैबिनेट है, एक्चुअल जो पावर्स है वो कैबिनेट के द्वारा यूज की जाती है. तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है, इंडिया के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो एक सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, बट इन यूएसए प्रेसिडेंट इज रियल हेड. सो इट इज वेरी मेजर डिफरेंस इन बोथ कंट्रीज. एंड सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज डिफरेंसेस इन द जुडिशियल सिस्टम बिटवीन द यूएस एंड इंडिया. एंड जुडिशियल सिस्टम इज डिफरेंट. हाउ कैन यू से जुडिशियल सिस्टम इज डिफरेंट? बिकॉज इन यूएसए देयर आर ड्यूअल लॉ, देयर आर ड्यूअल जुडिशियरी सिस्टम, बट इन इंडिया हेयर इज ओनली यूनिटरी फॉर्म ऑफ जुडिशियल सिस्टम. हमारे यहाँ पर केंद्र और राज्य है उनके बीच में एकीकृत जो न्याय व्यवस्था है उसको अपनाया गया है. यूनिटरी फॉर्म ऑफ जुडिशियल सिस्टम है इंडिया के अंदर, लेकिन जब हम यूएस की बात करते हैं तो वहां पर हमें ड्यूअल सिस्टम दिखाई देता है, क्योंकि अमेरिका के अंदर उनका सेंटर में अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और स्टेट के अंदर है वहां पर उनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन है. तो सेंटर के लॉ है वो अलग है और स्टेट के लॉ है उनको अलग है. तो वहां पर ड्यूअल सिस्टम ऑफ जुडिशियरी सिस्टम है हमें दिखाई देता है. एंड डिफरेंसेस इन सिटीजनशिप, हेयर इज ओनली सिंगल सिटीजनशिप, बट इन यूएसए देयर आर ड्यूअल सिटीजनशिप्स इन सेंटर एंड स्टेट्स. सो देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस बिटवीन द फेडरलिज्म ऑफ यूएस एंड इंडिया. ओके, नो थैंक्स.